उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत के बेहद प्रतिभाशाली, सफल और लोकप्रिय संगीतकारों की पहली पंक्ति में आता है नाम, संगीतकार नौशाद का। फिल्म संगीत के चमन को नौशाद जी ने अपनी एक से बढ़कर एक सुरीली धुनों से गुलजार किया। आज भी संगीत रसिकों की ये धुनें बहुत दुलारी हैं। इन गीतों में खुशबू है इस मिट्टी की और रंग है हमारी समृद्ध संगीत विरासत का। नौशाद जी का संगीत आज भी युवा लगता है, समय जैसे उनके गीतों में ठहर गया है। इस प्रोग्राम में आज से हम शुरू कर रहे हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद जी की सृजन यात्रा पर केंद्रित कार्यक्रम नौशादनामा, जो नौशाद जी से की गई लंबी बातचीत पर आधारित है। इस बातचीत के माध्यम से हमारे श्रोता भारतीय फिल्म संगीत की इस सुरीली शख्सियत की जिंदगी के कई रोचक और अनछुए पहलुओं से परिचित होंगे। इस बातचीत में हमने पिरोए हैं नौशाद जी के मीठे संगीत से सजे आपके पसंदीदा गीत। तो आइए सुनते हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशादनामा की पहली कड़ी। नौशाद साहब, मैं इस प्रोग्राम में आपका स्वागत इस शेर के साथ करता हूँ कि चांद उतरा के उतर आए सितारे दिल में, ख्वाब में होंठों पे आया तेरा नाम आहिस्ता। दोस्तों, लेकिन ये हकीकत है कि ये ख्वाब जागती आँखों का ख्वाब है। हम बंद आँखों से नौशाद साहब को अपने सामने देख रहे हैं क्योंकि हम उनके दौलत कदे पर हाजिर हैं और वो हमारे सामने कुर्सी नशीन हैं। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उनकी शख्सियत के चंद अहम पहलुओं को जानने आए हैं जो बहुत उजागर हैं लेकिन कहीं मध्यम और कहीं बहुत रोशन। हम कोशिश ये करेंगे कि इस समंदर नुमा शख्सियत को इस प्रोग्राम के कूजे में समेटने का एक एहसास दिला सकें। नौशाद साहब, बच्चे की पहली तालीमगाह आंगन को कहा गया है और इसी में पहले वो घुटनियों के बल चलता है और उसके बाद उसके नक्शे कदम दुनिया के सामने उजागर होते हैं। तो पहले आप अपने बचपन, अपने घर, अपने ख़ानदान और अपने वालदेन के बारे में तफसील से कुछ फरमाइए। आप हजरात जो सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम के, ये मेरी आवाज़ के उनको मैं आदाब और सलाम पेश करता हूं। और भी वसी साहब ने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया जिसका मुस्तहक भी नहीं हूँ मैं, फिर भी उन्होंने आंगन और घुटनों घुटनों चलने की बात भी की है, यानी मेरे बचपन को आवाज़ दी है उन्होंने। याद है अब तक वो बचपन का ज़माना, याद है, याद है अब तक वो बचपन का ज़माना, याद है अब तक अधूरा सा फसाना, याद है। यानी मैं 10 बरस का था तकरीबन, उस वक्त से ही म्यूज़िक का, संगीत का, मौसीकी का शौक़ कैसे पैदा हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम। अब यहाँ पर आके वो बात हकीकत बन जाती है कि बुज़ुर्गों ने कहा कि ये खुदा दाद चीज़ होती है, ये सीखने से या सिखाने से या घर में इसका चलन हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से जिनको अताई कहते हैं पेशावर हजरात, वो अताई का मतलब समझते हैं कि न जानने वाला या कूढ़, एक ज़बान में कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ अताई का मतलब ये कि जो खुदा की तरफ से अता हुई हो चीज़ जी। तो मेरे घर में माहौल जो था वो सब सूफी कस्म के हजरात थे, हमारे वालिद, दादा और दादी, नानी, सब इन्हें वो पुराने ख्यालात के, जिसको मैं अच्छा समझता हूँ पुराने ख्यालात, चूँकि पुरानी राहों से नई राहें फूटती हैं, तो मैं उनकी बातों को आज तक याद रखता हूँ। बहरहाल मेरे घर वाले मुखालिफ थे,
موسیقی کی طرف جو میرا رجحان تھا کیوں تھا یہ مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن ایک بات جو قابل ذکر ہے, حاجی بارس علی صاحب بارہ بنکی کے آگے یو پی میں ایک جگہ ہے جس کا نام دیوا شریف, وہاں حاجی بارس علی صاحب کی درگاہ ہے اور ہر سال وہاں کارتک کے مہینے میں عرس ہوتا ہے اور بہت بڑا عرس ہوتا ہے, 10 دن کا وہ عرس ہوتا ہے. تو لکھنؤ سے لوگ اپنا اپنا تمبو اپنی اپنی قناتیں لے کے جایا کرتے تھے, وہاں میدان میں ڈال کے رہتے تھے 10 دن تک, اور تھیٹر کمپنی بھی وہاں آتی تھی. تو ہم بھی ماموں کے ساتھ جایا کرتے تھے, تو ہم بھی چھوٹے تھے میرے خیال سے 10 سال کے, تو ان کے ساتھ ہم بھی جایا کرتے تھے. تو سب میلے میں جو فٹ پاتھ پہ دکانیں لگتی ہیں ان میں ایک بانسری والا آتا تھا, وہ بانسری بجایا کرتا تھا, بیچتا تھا بانسری, اور وہ بانسری اس کی ہم کو اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سا راگ بجا رہا ہے, لیکن ہم کو بہت ہی اچھی لگتی تھی اس کی بانسری, اور ہم فٹ پاتھ پہ جا کے اکڑو بیٹھے ہوئے اس کی بانسری سنا کرتے تھے. ایک نورانی داڑھی تھی, پگڑی باندھے رہتا تھا, کالی واسکوٹ, شرعی پیجامہ, اس کی جہاں بانسری کی آواز میں سنوں وہ اپنے قنات میں سے تمبو میں سے بھاگوں میں, اور کھانا پینا کچھ سب بھول جاؤں میں, بیٹھا ہوں اس کے دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر سنا کرتا تھا. मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया. आज मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन, कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन, कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन. मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा. मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया. लागा बलम हो मुरली से तेरी जिया, लागा बलम हो, लागा बलम, आंखों में तू है नहीं अब कोई गम हो, आंखों में तू है नहीं अब कोई गम, नहीं अब कोई गम, ओ बंसी वाले तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम, ओ बंसी वाले तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम. आज सुना दे वो धुन जरा, रुम झुम सावन की बरसे घटा. मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया. तो साहब दरगाह शरीफ पर बड़े अच्छे अच्छे कव्वाल आते थे, बड़े अच्छे अच्छे गजल के गायक आते थे. एक बाबा नसीर खां आया करते थे, बड़े अच्छे गायक थे वो, اور وہ خاص طور سے غزل گاتے تھے, اور ان کی غزل بڑی مشہور تھی جو کہ بچہ بچہ اس کو دہراتا تھا. چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا, نہ پھول تھے نہ چمن تھا نہ آشیانہ تھا, ہماری قید و قفس کو بس ایک سال ہوا, یہی باہر کے دن تھے یہی زمانہ تھا.
तुझे मैं बाकमा क्या क्या निशान बतलाऊं, यहीं कहीं पे हमारा भी आशियाना था। इस कसम की वो गजल थी, किसकी कही हुई थी या मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन बाबा नसीर खां ये गजल ऐसे गाते थे, इस तरह गाते थे कि लोग वाह वाह के नारे लगते थे और झूम झूम जाते थे लोग। बहरहाल वो बांसुरी ऐसी जहन में गूंजी कि वहाँ से हमको मौसीकी का शौक शुरू हुआ, वहाँ से मौसीकी की इब्तिदा होती है। पर बाजा वाजा तो था नहीं, पता नहीं क्यों चरपाई उस वक्त वो बांधों से बनी हुई होती थी, तो चरपाई की पट्टी पर जो निशान हो बांधों के बने होते थे उसको हम हारमोनियम की चाबियां समझ के उस पर हाथ फेरा करते थे। क्या कि वो माँ कहे अरे ये क्या करता है, तो वो हम सुर उसमें निकाल लें। बहरहाल यहाँ से वो सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे कुछ उम्र बढ़ती गई, एक दो साल और गुजरे, जब बाराबंकी के स्टेशन पर हम लोग उतर के, हम और हमारे हमजोली के कुछ लड़के होते थे, हम लोग वहाँ से पैदल जाते थे, सब 15 किलोमीटर पैदल जाते थे स्टेशन से उतर के, गंडेरियाँ खाते, मूंगफली खाते हुए, खेलते कूदते, इमली के पेड़ बड़े बड़े उसके नीचे कभी धूप है तो बैठ गए, नहर का पानी पी लिया, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। खैर अब लखनऊ में एक दुकान थी लाडरुस रोड पर, वो वहाँ म्यूजिकल साज तमाम बनते थे, गुरबत अली साहब थे, उनकी ये दुकान थी, उस्ताद गुरबत अली साहब, और उनके वहाँ पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, हर कस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके वहाँ बिकते थे, और उनका एक कारखाना था, वहाँ बनते भी थे। हम जाके उनके साजों को देखा करते थे खड़े हुए घंटों। तो वो एक रोज उस्ताद ने कहा बेटा इधर आ, तू ये खड़ा होकर घंटों क्या देखा करता है, मैं देखता हूँ कितने दिनों से तू आता है यहाँ खड़ा रहता है, क्या देखा करता है। तो मैंने कहा उस्ताद ये साज सामान जो आपके हैं, हारमोनियम, सितार, पियानो,
ये सब देखा करता हूँ। तो उस्ताद से मैंने कहा कि आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ उस्ताद, पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई। हाँ कहो बेटा, क्या है? तो मैंने कहा हुजूर, अगर आप हुक्म दें तो सुबह आके मैं झाड़ू वाड़ू दे दिया करूँ और लोबान लोबान दे दिया करूँ यहाँ आके। तो उस्ताद मुझे देख के मुस्कुराए, ऐसे फरिश्ता लोग थे वो साहब वहाँ से। अच्छा बेटा, वो हंगामी के तकिए पर उधर मैं रहता हूँ, तुझे घर मालूम? मैंने कहा हुजूर मालूम है आपका घर? तो कहने लगे कल सुबह आ जाओ वहाँ। मैं पहुँच गया साहब, उन्होंने चाबी दे दी दुकान की कि जाओ खोल लो दुकान। और मैं जल्दी जल्दी आके दुकान खोल के झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करके लोबान वान दे के और पेटी लेके कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि उस्ताद के आने से पहले ये अपना रियाज हो जाए। तो ये चलता रहा सिलसिला। एक रोज़ उस्ताद आ गए और मैं रियाज में लगा हुआ था। ये रियाज किस चीज़ का करता था मैं? एक रॉयल सिनेमा था वहाँ जो आज भी है। उस रॉयल सिनेमा में खामोश पिक्चरें चलती थी, तो उन पिक्चरों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ऑर्केस्ट्रा एक रखा जाता था वहाँ। वहाँ उस्ताद लड्डन साहब एक बजाते थे और एक कल्लन थे वो तबला बजाते थे, बाबूलाल जी थे वो क्लार्नेट बजाते थे। पिक्चर के सीन के हिसाब के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक का आइडिया वहाँ से शुरू होता है। सुबह उनको फिल्म दिखाई जाती थी तो फिल्म के मुताबिक वो लोग नोट करते थे कि इस सीन में ये बजाना है, इस सीन में ये ठुमरी बजाना है, इस सीन में ये राग बजाना है, इस सीन में ये गज़ल बजाना है। और एक लड़का भी रखा जाता था गज़ल गाने के लिए, यहाँ पर तुम ये गज़ल गाना है, ये रोमांस का सीन है, यहाँ पर ये गज़ल गाना और यहाँ ये बजाएंगे हम। ये पूरा वो तय कर लेते थे सुबह पूरा ट्रायल देख के। अब वो साहब वो सुनता था और मेरे जहन में अब वो मैं कहाँ रियाज करूँ, उसके लिए वो जाके साजों की दुकान को देखा करता था। तो उस्ताद के आने से पहले वहीं से फिर शुरू करता हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर लेता था वही चीज़ें जो रात को वहाँ सुनी मैंने रॉयल सिनेमा में। तो एक रोज़ उस्ताद आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं आँख बंद के पसीने पसीने लगा हुआ हूँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो आके पीछे बैठे अपनी मसनत पर, उन्होंने किया, अरे मेरी जान निकल गई कि आगे उस्ताद। मैंने देखा उस्ताद बैठे हैं, मैं मुजरिम की तरह खड़ा हो गया उनके सामने हाथ बांध के। कहने अच्छा, तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साजों का सत्यानाश करें? आप दुकान साफ करने नहीं आते थे, हाथ साफ करने के लिए आते थे? मैंने कहा उस्ताद गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफ़ तो नहीं करूँगा, मैं सजा दूंगा इसकी। मैंने कहा कि आप जो भी आपका हुक्म हो सर। आँखों पर कहने लगे कि ये कहाँ से सीखा तुमने जो बजा रहे थे अभी? मैंने कहा हुजूर वो रॉयल सिनेमा में जाता हूँ मैं, लड्डन साहब वहाँ बजाते हैं तो उनके पीछे बैठ के सुना करता हूँ, तो वो जो सुना वो इसकी प्रैक्टिस करता रहा था मैं। खैर सज़ा तो दूंगा साहब, तैयार हो जाइए सज़ा के लिए। अब मैं हुजूर माफ़ कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं छूँगा। नहीं सज़ा तो दूंगा। तुम्हारे घर में बाजा है क्या? मैंने कहा जी नहीं। आपकी सज़ा ये है कि ये हारमोनियम जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा नया हारमोनियम सत्यानाश कर रहे थे, ये आपको मैं देता हूँ आपकी ये सज़ा। और प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हाथ अच्छा, जहन अच्छा है, है? और लड्डन साहब को मैं एक रोज बुला के उनको सुनवाऊंगा, उनसे सीखा करो।
बदले खुशी के मारे मेरा पूरा हाल नया बाजा दे दिया तो मैं घर लेके गया। हमारी अम्मा ने कहा कि ये तुम घर लेके आए मुसीबत, तुम्हारे वालिद को पता लगेगा तो कोठरी में मैंने छुपा के रखा, और जब वालिद साहब नहीं होते थे घर में तब मैं उसकी प्रैक्टिस वगैरह करता था। फिर एक रोज़ उस्ताद ने लड्डन साहब को बुलाया, पूर्वत अली साहब ने मेरा सामना कराया, कहा ये बच्चा तुम्हारी नकल करता है लेकिन हूबहू मेरे ख्याल से नकल करता है, सुनो एक दफ़े इसको। अरे बेटा इधर आ, जरा सुना क्या बजाता था तू? तो मैंने डरते डरते लड्डन साहब के सामने सुनाया, तो लड्डन साहब ने पीठ ठोकी, शाबाश बेटा, भाई तेरा जहन बहुत अच्छा, तू आया कर वहाँ। मैंने कहा जी आता हूँ, मैं चार आने का टिकट लेके। नहीं तुमको टिकट नहीं लेना, टिकट लेने की नहीं जरूरत। तो अब हमको फ्री एंट्री हो गई। अब दोनों शो तक हम वहाँ ठहरे। अब वालिद को मालूम हुआ कि ये रोज़ लेट आता है, तो उन्होंने कहा कि देखो कल से अगर तुम 9 बजे के अंदर घर नहीं आए तो कुंजी नहीं खुलेगी, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मेरे लिए मुश्किल, सेकंड शो ख़त्म होता ही 12 बजे। तो बहरहाल अब क्या, मेरी दादी थी तो वो अपना खटोला दरवाजे के पास बिछा के लेटती थी बेचारी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो इसलिए मुझसे कहने, बेटा तू रात को आता है तो मैं दरवाजे के पास लेटूंगी, चुप्पे से खटखटा देना। तो हम ऐसे ही रोज़ जाते थे और दादी दरवाज़ा खोल दें, और हम डर के मारे खाना वाना नहीं मांगते थे कि बर्तन खड़केंगे, वालिद साहब जाग जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी, तो भूखे सो जाते थे। तो यूँ कहिए कि घर वालों में वालिद को छोड़ के सारे घर वाले जो थे आपके इस, वालदा यकीनन माँ फिर माँ होती है जी। वालिद बहुत सख्त मिजाज थे इस सिलसिले में, और वो हाई कोर्ट का जज था उस ज़माने में, ब्रिटिश का टाइम था, तो वो हाई कोर्ट के जज के साथ वो मुंशी थे जी। एक रोज़ कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बेवक्त वालिद साहब आ गए घर में, और वही वक्त था मेरे रियाज का। उस वक्त मैं पकड़ा गया और वालिद साहब कहने लगा, अरे ये क्या हो रहा सब घर में, गाना बजाना बजाय रोज़ा नमाज के, ये कौन लाया ये? तो मैं चुप्पे हाथ बांध के खड़ा हो गया, कि मैंने कहाँ से लाए हो? मैंने कहा हुजूर वो उस्ताद गुरबत अली साहब ने मुझे तोहफ़तन दिया है ये। तोहफ़तन ने किस बात पर दिया, तुम्हें क्या खूबी थी, किस लिए दिया? मैंने कहा मैं कुछ ये बजा रहा था उनकी दुकान पर, उन्होंने खुश होके मुझे, ये नहीं रहेगा यहाँ, ये बाजन अगर तुम रखना चाहते हो तो तुम्हें भी निकाल दूंगा, लाओ इधर लाओ। बाजा ऊपर से लेकर उन्होंने फेंक दिया सड़क पर। ओहो, वो बाजा टुकड़े टुकड़े हो गया, और मेरा समझ लिए दिल टुकड़े, जैसे दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। मांगो
बदनाम है दिल मेरा, कहता है अब, कहता है अब, मौत ही अंजाम है, मौत ही अंजाम है। घूंट ले अपना गला, आज वो दिन आ गया, दिन आ गया, तोड़ दिया दिल मेरा, तूने रे बेवफा, मुझको मेरे प्यार का ये बदला। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों की। फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा। अब साहब मैं बहुत मायूस हो गया। गुरपत अली साहब की दुकान पर फिर आया मैं, और मैं वहाँ खड़ा हो गया और वो कहा, अरे बेटा आओ आओ, क्या हुआ? तो मैं रोने लगा, अरे बताओ हुआ क्या? तो मैंने उनको वाकया बताया कि ऐसा सा हुआ और हमारे वालिद साहब ने आज वो बाजा फेंक दिया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं आपके पास इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि क्या करूँ। कहने तुम्हारे वालिद मेरे ख्याल से मौसीकी के ख़िलाफ़ है। मैंने कहा जी हाँ, वो उसको पसंद नहीं करते हैं। अच्छा बेटा तुम ऐसा किया करो, यहाँ आया करो दुकान पर हमारी, और तुम यहाँ वो उस तरफ जो जगह है नहीं, एक कोठरी सी थी, कहने वहाँ बैठ के तुम रियाज किया करो, और घबराओ नहीं। उस्ताद ने दिलासा दिया, कहने लंदन साहब के पास तो तुम जाते हो वहाँ रॉयल सिनेमा में। मैंने कहा जी हाँ। फिर कहने अच्छा देखो, उस्ताद बब्बन साहब एक रहते हैं नवाब बब्बन साहब, बहुत अच्छा क्लासिकल संगीत जानते हैं, मैं उनसे तुम्हारा सामना कराऊंगा। ये अच्छे थे नवाब ख़ानदान के, और उनकी कोठी थी लाठर रोड पर, अभी भी है। अच्छा, अब रहे नहीं वो, लेकिन खैर उन्होंने कहा भाई ये लड़के को बब्बन साहब थोड़ा सबक दो, भाई ओके सुना बेटा। तो मैंने कुछ डरते डरते सुनाया। तो उस वक्त के लोग क्या थे मैं क्या बताऊं आपसे, उन्होंने भी पीठ ठोकी, शाबाश बेटा तेरा जहन अच्छा है, आना मेरे पास, मैं तालीम दूंगा। उस्ताद बब्बन साहब का ऐसा था साहब कि वो उनका एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ एक नहीं कितने सीखने वाले पड़े रहते थे, और वो कोई ना पैसा लेते थे ना कौड़ी लेते थे, अपने पास से खिलाते पिलाते भी थे और सिखाते थे। और उनका कौल क्या था कि देखो मौसीकी को जितना तकसीम करोगे उतना बढ़ेगी। मौसीकी बांटने की चीज़ है, ये चुरा के रखने की चीज़ नहीं है, इल्म है, ये इल्म है, इसको जितना फैलाओगे वो बेहतर होगा। तो बहरहाल अभी देखिए, ये उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां भी उनके वहाँ रहते थे जी, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां भी उनके वहाँ बब्बन साहब, हाँ बब्बन साहब के वहाँ रहते थे। उस्ताद हई साहब थे, अब्दुल हई साहब, वो भी ये सब वहाँ सीखते थे। तो बहरहाल बब्बन साहब का दिया हुआ सबक, अब तक एक डायरी है मेरे पास, वो अभी तक है, उस वक्त की एक डायरी, उसमें वो सरगमे भी लिखी हुई है कि भोपाली का ये ठाट है, दुर्गा का ये ठाट है, ये राग बिहाग, तो वो उसकी सरगमे सब लिखी हुई है। उस जमाने की वो डायरी अभी तक है मेरे पास। बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना।
बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। दुश्मन है सारा जहां, दुश्मन है सारा जहां, जाऊं कहां। हाँ तेरी उल्फत है जीने का बस एक बहाना, देखो देखो हंसे न जमाना। कैसी फिल्में होती थी और उन दिनों के कौन से अदाकार या गाने? देखिए उन दिनों एक तो वो खामोश फिल्में आती थी, साइलेंट मूवी जी, और उसमें ज़्यादातर महाराष्ट्र से बन के आती थी फिल्में, और उसमें उस वक्त के बहुत मशहूर जो आर्टिस्ट थे ज़्यादातर यानी उसमें स्टंट पिक्चरें भी बनती थी, और एक मास्टर विट्ठल थे जी जो कोल्हापुर के रहने वाले थे, मास्टर विट्ठल, उनको इंडियन डगलस कहा जाता था, और हीरोइन उनके साथ ज़ैबुन्निसा होती थी। और साहब जब इनकी पिक्चर लगती थी, स्टोरी क्या है, किस मौजू पर है, देखिए उसमें एक बहुत अच्छी बात ये होती थी अदबी, किसी शायर से स्टोरी का मौजू क्या उस पर गज़ल लिखवाई जाती थी, और गज़ल लिखवा के हैंडबिल में वो गज़ल छापी जाती थी। उस वक्त शेर व सुखन का बड़ा ज़ौक था हर घर घर में, तो वो इश्तिहार उनका हैंडबिल घर घर पहुँचे, अरे क्या अच्छी गज़ल कही, अरे साहब उन्होंने उनके जिनका भी नाम, अरे भाई ये मतलब क्या कहा है, अच्छा ये इसका मौजू ये या ये पिक्चर देखना चाहिए फिर। वाह अच्छा, फिर वो साहब ये पब्लिसिटी में वो इश्तिहार में गज़ल शामिल होती थी, ये एक बड़ी नई बात थी उस वक्त। और चूँकि उर्दू अदब का उस वक्त बहुत शौक़ था, ज़ौक था, बड़े बड़े पंडितों के घरों में जहाँ हम भी जाते थे, बाबू तुलसीदास जी थे, अरे क्या
जानकार और ऐसे उस्ताद बब्बन साहब के जिगरी दोस्त युगेश बाबू थे। अरे क्या अच्छा गाते थे। कृष्ण जन्म मनाया जाता था, उस्ताद लड्डन साहब भी पहुँचे, नवाब बब्बन साहब भी, नवाब अकन साहब, ये तमाम, अरे चलो युगोश के वहाँ कृष्ण जन्म है, सब मिल के वहाँ गा बजा रहे हैं। अरे वो याद करके मुझे लगता है कि वो बचपन में मेरे ये यूनिटी थी, इतनी यकजहती थी जी। ये लोग कहाँ गए, ये क्या फिर नहीं आ सकते ऐसे लोग। वाह, ये सब माहौल जो था अक्सर याद करके मैं कभी कभी आंसू आ जाते हैं कि ये लोग कहाँ चले गए। तो बाहर के ये होता था कि पब्लिसिटी जो पिक्चर की होती थी तो इंडियन डगलस, विट्ठल साहब, ज़ैबुन्निसा, फिर डी बिली मौर्या, डी बिली मौर्या के साथ क्रिश्चन लड़की थी, सुलोचना उसका नाम था। अच्छा, नाम सुलोचना था। हाँ, लेकिन क्रिश्चन थी। हाँ, तो वो साहब हीरोइन होती थी डी बिली मौर्या के साथ। तो वो अनारकली आई पिक्चर, वो साइलेंट मूवी आर एस चौधरी ने बनाई इंपीरियल स्टूडियो में। अरे लोग रो रहे हैं जब वो दीवार में चुनी जाती है और उस पर गजल हो रही है कि जाते हो चले जाओ, बस इतनी गुजारिश है जब याद हो हमारी मिलने की दुआ करना।
साहब उस्ताद लड्डन साहब बच्चों की तरह मानते थे हमको, अब हम रोज वहाँ जा रहे हैं और चोरी छुपे सीख रहे हैं, और नवाब बब्बन साहब से भी। और एक क्लब था वहाँ नादन महल रोड पर जो एम्यूचर्स का क्लब था, जिसमें हर साल एक ड्रामा स्टेज होता था और उसमें तकरीबन सब वकील लोग शामिल होते थे, तो उसमें हम भी शामिल हो गए। तो वो स्टेज हुआ ड्रामा और मैं उसमें बजा रहा हूँ। अब वो साहब खबर फैल गई, हमारे वालिद साहब को पता लगा। अच्छा उस वक्त कोई मैं उम्र मेरी 16-17 साल की हो गई थी, तो हमारे वालिद साहब ने बुलाया और मुझसे कहा कि देखो आज एक बात का फैसला करो। हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने वो शौक़ छोड़ा नहीं, और हमें बाहर से खबर मिली तुम ये मौसीकी की लाइन में अभी भी हो, और कल गोलागंज थिएटर में कुछ ड्रामा था उसमें भी तुम कुछ हारमोनियम वगैरह बजा रहे थे वहाँ बैठ के, तो ये खबर सही है ना, झूठ मत बोलना। मैंने कहा जी हाँ खबर सही है। आज फैसला करो, तुम्हें ये म्यूज़िक चाहिए या घर चाहिए? हमारी वालदा कहने लगी सुबह बात कर लेना, अभी रात है फिर। नहीं नहीं अच्छा, वो इत्तेफाक से दिवाली की रात थी, दिवाली थी तो हर तरफ चिराग वगैरह हो रहा था। अब मुझसे कहने अभी फैसला होगा, इसी वक्त होगा, तुमको मौसीकी चाहिए या घर चाहिए? मैंने कहा घर आपको मुबारक। मैं उसी वक्त निकल गया। हमारी माँ अब रोकती रही, अरे नहीं बेटा सुबह चले जा। मैंने कहा नहीं, मैं जिन कपड़ों में था जो ऐसे था वैसे बाहर आ गया। अरमान लेकर आज अपने घर से हम निकले, जहाँ है जिंदगी अपनी उसी कूचे में तुम निकले। सजदे किए हमने, जिन्हें सजदे किए हमने, वो पत्थर के सनम निकले, वो पत्थर के सनम निकले। जहाँ है जिंदगी अपनी उसी कूचे में तुम निकले। तमन्ना है यही अब तो मेरा सर हो, तेरा दर हो, न आंसू कोई आंखों में, न शिकवा कोई लब पर हो, न शिकवा कोई लब पर हो। अगर यूं मौत आ जाए, अगर यूं मौत आ जाए, तो अपने दिल से गम निकले, तो अपने दिल से गम निकले। यही अरमान लेकर आज अपने घर से हम निकले। लखनऊ में एक मेरे दोस्त थे आदिल साहब, भी शायर थे, अब्दुल मजीद आदिल, मुझसे बड़े थे लेकिन बड़े मेरे तरफदार और बड़े मेरी हिम्मत अफजाई करते थे। और एक डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी थे
जो यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ते थे लखनऊ में, उनके वो दोस्त थे, और डॉक्टर साहब को अक्सर हॉस्टल में मुझे ले जाए, मजीद साहब मेरा बाजवाजा सुनवाए उनको। तो डॉक्टर नामी साहब भी, अब्दुल अलीम नामी उनका नाम था, वो भी बहुत मुझे पीट पीट ठोकते थे, शाबाशी देते थे। मजीद साहब के पास गया कि साहब आज ये वाक़ा हो गया और मैंने घर छोड़ दिया, क्या करूँ। कहने भाई देखो मेरी राय ये है कि आजकल नाचती गाती बोती बोलती फिल्में बनने लगी हैं, तुम बम्बई जाओ। तो मैंने कहा साहब मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं, मैं ऐसे खाली हाथ घर से निकल आया। कह रहे मैं उसका इंतज़ाम कर देता हूँ। तो मजीद साहब ने हमको एक चिट्ठी लिख के दी, कहने वो नामी साहब थे ना यहाँ पढ़ते थे, वो अभी वहाँ सेंट जेवियर कॉलेज है उसमें पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और तुमको तो जानते थे ना बचपन से, तुम सुनाते थे उनको। मैंने कहा जी। तो कहने उनके नाम मैं चिट्ठी लिखता हूँ, तुम उनको जाके मिलना और एड्रेस वगैरह लिख देता हूँ मैं। और मुझे टिकट दिलाया, कुछ पैसे दिए, ट्रेन में बिठा दिया। अब मैं ये ज़िंदगी में पहला ये घर छोड़ के बम्बई का सफ़र शुरू हुआ। बम्बई पहुंचा मैं किसी तरह से। अब मैं बम्बई से वाकिफ़ नहीं, कहाँ जाऊँ, ये कहाँ है जगह। एक टैक्सी वाला शाहजहाँपुर का, वो उसी कंपार्टमेंट में, थर्ड क्लास में हम लोग आ रहे थे, तो वो बेचारा कुछ खाना वाना घर से लेके आया था, खाना खाने बैठा, आइए खाना खा लीजिए मेरे साथ। मैं खामोश, मैं भूखा प्यासा बैठा था। तो मैंने कहा जी नहीं आप, शुक्रिया। अरे नहीं नहीं तकल्लुफ़ क्या कही। तो ज़बरदस्ती उसने खाना खिलाया मुझे ट्रेन में। फिर कह रहे कि कहाँ जाओगे। मैंने कहा साहब ये एड्रेस है। अच्छा कभी गए नहीं तुम। मैंने कहा जी नहीं पहली दफ़े जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं ये जगह जानता हूँ। तो साहब बोरी बंदर पर उतरे हम, उसने घोड़ा गाड़ी की, अपना सामान वान रखा, मुझे भी बिठाया, मेरे पास जो भी था कि छोटी सी पेटी बिस्तर वो भी साथ लिया उसने। और वो जे हॉस्पिटल के सामने जो गली है वहाँ कहीं कौन सी बिल्डिंग थी, हाजी का होटल जहाँ था उधर ऊपर कहीं रहता था, वहाँ मुझे ले के आया। और उसने ऊपर से आवाज़ दिया, ए बार वाला दो चाय लाओ और एक एक बंद मस्का पाओ। रही हो मैंने कहा क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ की जबान सब। तो खैर मुझसे कहने थोड़ा नाश्ता पानी कर लें फिर हम चलते हैं और ढूंढेंगे। उसने बेचारे ने मैं कभी भूल नहीं सकता, उसने चाय वाय पिलाई, नाश्ता वगैरह कराया, फिर मेरे साथ चला भिंडी बाज़ार पाटका मंजिल। वहाँ पहुँचे, नीचे पान माला था, उससे पूछा कि ये नामी साहब, हाँ यहाँ रहते थे, उनका वो रूम तो है मगर अभी वो नहीं रहते हैं यहाँ। अरे कहाँ रहते हैं अभी कुछ पता है। अरे अक्सर आते हैं इधर, वो कहीं उधर कुलाबा में रहते हैं, हमें भी नहीं मालूम। अब साहब वो ट्राम पर बैठा मेरे साथ, म्यूजियम पर उतरे। अब वहाँ से हर बिल्डिंग में वो बेचारा पूछता जा रहा सबसे, कोई अब्दुल अलीम नामी प्रोफेसर साहब, सुबह से लेके रात हो गई और वो बेचारा साथ साथ। रात को एक ग्रीन बिल्डिंग करके वहाँ पता लगा कि हाँ यहाँ रहते हैं, ऊपर थर्ड फ्लोर पर एक साहब हैं और कोई यूरोपियन फैमिली उसके साथ एज ए पेइंग गेस्ट रहते हैं। जान में जान आई। अच्छा वहाँ यूरोपियन फैमिली, वहाँ 9 बजे के बाद बत्ती उत्ती बुझा दी जाती थी सर, जब सब साइलेंट। तब मैं दरवाजे पर बैठा हूँ, जो वहाँ कोई मैडम थी, उन्होंने कहा यू कैन सिट हियर, ही विल कम लेट नाइट। तो हम बैठे हुए, वो आए कोई 12-1 बजे, कहीं उनका लेक्चर था। उन्होंने माचिस जला के देखा कौन बैठ रहा, मुझे देखा, अरे पहचान गए साहब। अच्छा अच्छा कब आए। दरवाज़ा खोला, मुझे हवा इधर बैठो, मैं सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ।
अरे ओ भूलने वाले। मिला था दिल से जब दिल, याद करो भूलने वाले, अरे ओ भूलने वाले। उसी बीते जमाने का सहारा लेके आया हूँ तुझे पर, जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। जिगर में दर्द, दिल में तीस और आँखों में दो आंसू, अरे आँखों में दो आंसू। जिगर में दर्द, दिल में तीस और आँखों में दो आंसू, रे आँखों में दो आंसू। जरा तू देख ले आकर मैं क्या क्या लेके आया हूँ तुझे पर, जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था, वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था, वही अफसाना हूँ तुम पर अधूरा लेके आया हूँ तुझे पर, जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था, वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था, वही अफसाना हूँ तुम पर अधूरा लेके आया हूँ। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की पहली कड़ी। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था, तकनीकी सहयोग दिया बिनीता ढोलकिया ने और इसे संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। उजाले उनकी यादों की।